हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं दानिश अब्बास बोल रहा हूँ, मुल्तान से, कि कनाडा में एमबीए मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन हम लोगों के लिए क्या स्कोप है, अगर वहाँ वर्क परमिट के लिए, जॉब के लिए, तो उसके बारे में गाइड कर रहे हैं। और सर ये भी साथ से बता दीजिए, यहाँ पे आईएलटीएस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अकेडेमिक या वो जर्नल जो होता है उसमें क्या क्या, कितने बैंड, किस उसमें? कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और दूसरा मुल्क होने के साथ साथ इसमें 10 जो हैं सूबे हैं और 10 सूबों के अलावा 3 टेरिटरीज कहलाती हैं उसमें। बात किया था सिंगापुर को, उसी को हम आज कंटिन्यू करें। उसका केस बनाया, वो यहाँ से चला गया, एयरपोर्ट से डिपोर्ट होकर वापस आ गया, और जब आपने क्लास ज्वाइन ही नहीं की तो आपका जो कॉलेज है वो आपसे 15% से ज्यादा किसी तरह के पैसे रखने का, लेने का हकदार या मजाज ही नहीं बनता। मेरे का केस तकरीबन 1.5 साल से लटका हुआ था। फिर वो मेरे पास जब आए तो मैंने फिर रिक्वेस्ट की उस इमिग्रेशन कंसल्टेंट से, और उसका नतीजा ये निकला कि उसको पैसे मिल गए। उसी काम का वीजा अप्लाई करें जो आप काम जानते हैं। होता यह है कि जब वो आपको वीजा देने का डिसीजन भी दे देते हैं कि हम आपको वीजा दे रहे हैं, उसके बाद भी उनके कुछ चेक्स हैं, सिक्योरिटी चेक्स हैं, वो डॉक्यूमेंटेशंस तमाम अमेरिका जाती हैं और उस पे वहां से जब तक अप्रूवल नहीं आती उस वक्त तक इसी वजह से समटाइम्स डिले हो जाता है और समटाइम्स सालों पे चला जाता है और आपको वीजा नहीं मिलता। दोनों चीजें अमेरिका के लिए खासतौर पर यही पोजीशन है। मतलब ये दो रीजन से हो सकते हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू में वैसे तो वो बता देते हैं। अच्छा, तो बेसिकली हम बताएंगे कि कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वीजा हैं फॉर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के लिए तकरीबन 23 फॉर्म्स हैं जो मेरी नजर से गुजरी हैं। न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन के अंदर एक चीज है EOI, जिसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जी, तो मुझे जरा थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इसको हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि न्यूजीलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। किसी कंसल्टेंट की कराची में कंसल्टेंट हो सकते हैं कोई, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इस काम के लिए पाकिस्तान में किसी का दुबई में होगा। अच्छा। या न्यूजीलैंड में होगा। हर क्लास के लिए अलहदा से इंटरनेट पे उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। दुबई जाके भी बहुत सारी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है। ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इमिग्रेशन एक सब्जेक्ट के तौर पर चल रही है। जैसे जो कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी और जिनका रहना है इमिग्रेशन की बुनियाद पे, डॉक्टर्स का एक पूरा कर रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं कि जिसमें डॉक्टर्स के लिए कहाँ कहाँ पे क्या फैसिलिटी, बिजनेसमैन के लिए कर रहे हैं कि कौन कौन सी जगहों पे उनके लिए इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के सिलसिले में लेटर तो वसूल हुआ कि जो उसमें लिस्ट में नाम आता है, कितनी से ज्यादा कितनी टाइमिंग जो होती है वो दरकार होती है, सिक्योरिटी देते हो वो वापस नहीं मिलती है। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, अभी आपके जो सवाल हैं उनके हम जवाब दें। जो तो फीस नॉन रिफंडेबल होती हैं जी, वो तो होती हैं, क्योंकि पॉजिटिव लिस्ट में आ चुके हैं, 3 महीने में भी हो रहे हैं, कोई 6 महीने में हो रहा है। उनके के लिए मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा था कि स्पॉन्सरशिप के जरिए आपको ना वीजा मैं यहाँ से भेजूंगा, और बाकी सिविलियन को वो स्पॉन्सरशिप करते हैं या नहीं करते, क्योंकि स्पॉन्सर दोस्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एडिट के वो एलिजिबल हों स्पॉन्सर करने के। अच्छा। यूके में से आपको कोई भी जो एलिजिबल है स्पॉन्सर करने का वो आपको स्पॉन्सर कर सकते। मैट्रिक के सेकेंड ईयर में है और ये मैट्रिक खत्म करने के फौरन बाद जाना चाहते हैं यूके, कुछ भी एज इन बैचलर्स की डिग्री के लिए, सो इज दैट पॉसिबल और नॉट? ये मैट्रिक करने के बाद भी दाखिला ले सकते हैं। ठीक है। और उसके लिए पहली जो होगी इनकी जो सीडी होगी वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लैंड के बारे में तो नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहती थी स्टूडेंट वीजा। मैंने बीकॉम किया हुआ है और मैंने आर्ट्स भी किया, लेकिन उसमें मेरे 5 बैंड आए हैं, तो मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा हो डिप्लोमा वगैरह, क्योंकि एमबीए वगैरह तो भी मैं वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, कोई ऐसा हो डिप्लोमा जो सबसे जिसकी लो फीस हो सके। जानना चाह रही है कि कोई ऐसा डिप्लोमा या कोई ऐसा कोर्स जो कि इनफीजनेबल वहाँ पे यू नो फीस हो, जिसमें www.immi.gov.au तकरीबन 25,000 से ज्यादा कोर्स हैं उसमें, तो उसमें कैटेगरी में आप चले जाएं और कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपको सूट करता है। ये यूरोपियन यूनियन में आता है और ये सैजन वीजा जो होता है वो इसके लिए काफी होता है। न्यूजीलैंड वीजा के लिए, इमिग्रेशन के लिए यहाँ पर कोई एम्बेसी या उससे वीजा हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है? इन्होंने बेसिकली पूछा है कि न्यूजीलैंड ये जाना चाहते हैं तो यूरोपियन यूनियन में आता है कि नहीं आता, पहले वो बताइए। दूसरा शेंगेन वीजा का इन्होंने ये पूछा है, उसके अलावा इन्होंने ये भी पूछा है कि यहाँ पे एम्बेसी है जो कि नहीं है दुबई में न्यूजीलैंड की। दुबई इनकी जो पहली दो यूरोपियन यूनियन में, तो जाहिर है यूरोप में वो आता है। एग्जैक्टली शेंगेन के लिए मैं श्योर नहीं कह सकता, इसका जो प्रोसेसिंग है वो दुबई में है, पाकिस्तान में इसका कोई ऑफिस नहीं है। तो हम पीआरसी परमानेंट रेजिडेंस के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं,
उसके लिए हमारे क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं? एक तो ठीक है कि हमारे पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी वहाँ पे, सही। दूसरी बात यह है कि हमारी एमबीए की डिग्री वहाँ पे एमबीए कंसीडर की जाएगी या उससे कम पे कंसीडर की जाएगी? और ये वर्सेटाइल एक्सपीरियंस में आते हैं दोनों जी, इनके चांसेस अच्छे हैं, दोनों उसमें फॉल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये एक तो इंग्लिश टेस्ट जो आपके जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने इतना अरसा उस इंडस्ट्री में काम किया हो, कि आया वो उनका कोई अजीज रिश्तेदार अगर वहाँ पे रह रहा है तो वो उनको स्पॉन्सर कर सकता है या कंपनी कर सकती है। 2009 में यूके का विजिट वीजा लगा था और अब मैंने दोबारा अप्लाई करना है, तो लिहाजा मैं 2 साल का अप्लाई कर सकता हूँ या 5 ईयर्स का? वीजा की फीस जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 5 साल की और 2 साल की शायद एक ही है, तो इसलिए आप वीजा अप्लाई 5 साल का ही करें। ओके, तो ये उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको 2 साल का दें या 5 साल का। वर्क टू रेजिडेंस वीजा स्पेशल कैटेगरीज टू एक्सपीरियंस लाइफ इन न्यूजीलैंड वेयर यू स्टार्ट क्वालिफाइंग फॉर रेजिडेंसी फ्रॉम डे वन। सो बेसिकली एक पाथवे है, आप इवन आप बिजनेस के लिए भी जब जाते हैं तो फिर पहले आप बिजनेस वीजा मिलते हैं, फिर उसके बाद आप इन्वेस्टर और इन्वेस्टर प्लस कैटेगरी में जाते हैं। मैंने इनकी जब वेबसाइट को थ्रू थॉरली पूरे का पूरा जब स्टडी किया तो हर कैटेगरी को डिस्कस करने के बाद जो अच्छी चीज मुझे लगी, जो एथिकली भी ठीक लग रहा था और जिसमें लगता था कि वो एक एज ए होस्ट नेशन बनना चाहते हैं, कि अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे तो डिसअपॉइंट मत हों। अच्छा। और बहुत सारी ऐसे कैटेगरीज हैं, आप हमें इंक्वायरी लिख भेजें, ठीक है, क्योंकि वो रीजन जिसमें ज्यादातर लोगों ने नाम सुने में लगेंगे, इसमें क्यूबेक और ओंटारियो आता है, उसके बाद आता है द प्रायरीज, इसमें है मैनिटोबा, सस्केचवन और सम पार्ट्स ऑफ अल्बर्टा, फिर उसके बाद आता है वेस्ट, वेस्ट में आ जाएं आप तो अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया, यानी जो ये इसमें अल्बर्टा है, ये प्रेरीज में भी कुछ है और वेस्ट में भी, दोनों में आता है। फिर उसका आता है नॉर्थ, द नॉर्थ इज मेड ऑफ द 3 टेरिटरीज ऑफ नोवाट, यूकॉन एंड द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, सो ये इसमें मुख्तलिफ है। अब जो टोटल सूबे हैं वो आपने सुन लिए, 10 प्रोविंसेस हैं और 3 जो टेरिटरीज हैं उसमें हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, नोनावाट और यूकॉन, ये इनको मिलके तो फिर बनता है आपका कनाडा जितना भी है, फेडरेशन का सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, क्वीन एलिजाबेथ 2 से बेसिकली ये सारा उसके उसमें है, बाइलिंगुअल है, सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ मल्टीकल्चरल और बाइलिंगुअल ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 हैं उनकी। अच्छा, ऑफिशियल भी 2 हैं। हाँ, उसमें एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है, ओके, 2 चीजें हैं। और पाकिस्तानी 87 रुपए 87.4 टुडे, और वो एक कैनेडियन डॉलर। कंट्री बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, जी, हर किसी के लिए, वुमन मेन चिल्ड्रन एंड सीनियर्स आर ऑल इक्वली रिस्पेक्टेड अंडर द लॉ इन कैनेडा, दीज वैल्यूज मेक द कंट्री अ सिक्योर सोसाइटी इन विच टू लिव। ये जो हमने पहले डिस्कशन किया, बिल्कुल। अब कैनेडियन वेज पे आ जाते हैं कि कैनेडा में कैसे, मैनी सोशल प्रैक्टिसेस गवर्न बिहेवियर इन कैनेडा, these are not laws but they are well established traditions that Canadians expect to one another, here are some examples, people normally form a line when waiting, aur fir uske the person who arrives first takes the first position in the line, first come first served, other arrivals line up behind the person in the order they arrive। मैं हूं आपकी होस्ट रीशम और आप देख रहे हैं वीजा गाइड। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका लेवल कौन सा आ रहा है, 5770 से 576 तक। और स्टूडेंट वीजा में जैसे ये मैंने आपको फॉर्म दिखाया, ये INZ 1012 है। कीप योर ऑप्शन ओपन, अपना दिमाग खुला रखें, कहीं भी आप जा सकते हैं, यू आर टैलेंटेड इनफ। PhD अगर करना हो, ओके, तो क्या तरीकाकार है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? अगर आप जर्मनी में PhD करेंगे तो आपकी फीस नहीं होती। कोर्सेज में जाने के बाद सबसे पहले आपको अपनी कंट्री चूज